हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है नवरात्रि का नवमी, यानी कि नवरात्रि का नौवा दिन है। तो आज होगा कन्या पूजन, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि घर में क्या हो रहा है। हम सब हो गए हैं रेडी। तो इधर देखिए, दीदी करने जा रही हैं पूजा, और ये है बच्चों के लिए रखा गया है, जो कि प्रांजल प्रज्ञान ने रेडी कर रखा है। हैंकी है, ये टिक टिक है, और ये है चुनरी, और ये फल फ्रूट एंड पैसा। और इन दोनों गधों को देखिए, सुबह सुबह लग गए हैं फ़ोन पे, क्योंकि ये परमानेंट फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। और ये हूँ मैं। और घर में क्या क्या बना है ये तो आप लोग को दिखाना बाकी ही रह गया था, तो इसे हटाओ, खाली खाली है। ये बना है खीर, ये बना है हलवा, ये बना है चना, और ये है टेस्टी टेस्टी छोला, बिना लहसुन प्याज का, अतरंगी तरीके से, नए तरीके से बना हुआ है छोला मेरे वहाँ। पूरी बनाना है अभी, बाकी गैस वगैरह सब है गंदा अभी। हेलो गाइस, तो हवन के लिए हम जा रहे हैं बनाने पूरी। चलिए बनाते हैं। हमने तेल को कढ़ाई में डाल लिया है, और अब करते हैं कार्यक्रम शुरू पूड़ी बेलने का। जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे नहीं, 6-7 क्लास में थे, तो दीदी की एक फ्रेंड आई थी, तो जिनका नाम प्रियंका था, वो पूड़ी ऐसे लेती थी, बनाती थी, उसके बाद एक बार ऐसे बेलना करती थी, और फिर पूड़ी को एंगल चेंज करके एक बार ऐसे, बस हो जाता था। बहुत ही फास्ट बनाती थी, मुझे अच्छा लगा उनका पूड़ी बनाना। बैकग्राउंड आवाज से पता चल रहा है कि दीदी पूजा कर रही है। मैं बना रही हूँ पूरी। आज मेरे वहाँ ऊपर फ्लैट में हम लोग रहते हैं, तो ऊपर अर्श की मम्मी है एक लोग, उनके वहाँ है कीर्तन, तो हम लोग जाएंगे वहाँ भी। सात पूरी बनाना है, जो कि हवन में काम आएगा। कोई पांच पूरी रखता है, कोई सात पूरी रखता है, हम रखेंगे, दीदी रखेंगी सात पूरी, तो मैं बना रही हूँ सात पूरी। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ बन रहा है आलेखन, इसके बाद होगा पूजा हवन, हवन के बाद कन्याएं खिलाई जाएंगी, जो कि हमारे वहाँ दो दो कन्याएं आ चुकी हैं। जो प्रज्ञान उन लोग के साथ खेल रहा है, ताकि वो लोग बोर ना हुए। और ये है तो एक कन्या जो है हमारे वहाँ लेट होने की वजह से लौट गई। लेट तो हो ही जाता है नवरात्रि में सबके वहाँ। लकड़ी हम लेके आए उसमें सजा। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर दिया आलेखन, दीदी ने शुरू किया, कंप्लीट हमने कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है। और ये आम की पल्लो जो है सही किया जा रहा है, और ये हवन की सामग्री जिससे हवन होगा। हाँ नहीं, बस करो, ज़्यादा हो जाएगा तो भी धुआं धुआं एकदम, वो ज़्यादा ही होगा अभी। और चलिए इसको रख देते हैं बाहर, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, कभी हवन की ज़रूरत हुई तो। और ये देखिए, यहाँ दीदी कलर की हैं पैर को, तो पूरा बालकनी मेरा गंदा गंदा हो गया है। और धूप प्रयागराज में देखिए। और इधर हैं जीजू, हो गए हैं रेडी, जो चला रहे हैं फ़ोन, और वो प्रांजल, और ये इधर
एक लाइन बताओ तुम देखिए बैठा नहीं बन पाएगी तो ऐसे ही दे दे ये सब अच्छा लगेगा करने में बच्चों नहीं अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा प्रज्ञान तुम तो एडजस्ट कर रहे हो यार साइड में ये अच्छी बात है करना नहीं चाहिए किनारे कैसा लग रहा है बंदा के नहीं भाग जाएगा अरे यार मजे ऐसे ही बस कर रहे हैं कि तुम चिढ़ो कह रही है कि देखे चिढ़ता है इसलिए कर रहे हैं तुम तो स्ट्रांग हो नहीं ये स्ट्रांग है बहुत स्ट्रांग है अगर प्रांजल ही बैठ सकता था ऐसा नहीं वो मुंह में डालते रहो वो देखेगी तभी खाएगी कार्टून दिखाते रहिए मुंह में डाल दो इसकी मम्मी इसीलिए बैठ गई कि हम लेके जाए क्या मुंह छुपा रहे हो तुम जाना नहीं अब सोचे लेके चले जाएंगे ना तो मैं कन्या लोगों की प्लेट में लड्डू डालना भूल गई थी जो कि तो अभी लड्डू ऐड कर देते हैं फिलहाल उसके बाद देखते हैं कि भैया आप भी वायरल होंगे अब यार ये सब मत करो यार क्या वीडियो बना रहे हो तुम्हारी तरफ कर दूंगा जाओ हाँ खड़ी हो जाओ सबको लेके हेलो गाइस तो कन्याएं जो हैं कंजक पूजन में सब खा के चली गईं और मेरे वहाँ अभी गेस्ट हैं गेस्ट में समृद्धि जो आई थी कन्या पूजन में तो उसकी मम्मी पापा हैं तो फैमिली फ्रेंड हैं तो वो लोग बैठे हैं तो हमने सोचा कि आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं तो ये भाभी हैं जो आई थी तो जा रही हैं इसके बाद हम लोग बहुत आज बिजी रहने वाले हैं क्योंकि छत पे जाना है अभी कीर्तन